रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आर आई एम फाइन। आई होप ऑल ऑफ यू विल बी आल्सो फाइन। आई एम योर उर्दू टीचर। ओपन योर उर्दू रीडिंग बुक। पेज नंबर है आपका 119। टुडे वी विल डिस्कस द शॉर्ट क्वेश्चन आंसर ऑफ द लेसन ज़राअत की अहमियत। जैसे कि हमने ज़राअत की अहमियत में ये पढ़ा था, ज़राअत और इंसान का बहुत पुराना रिश्ता है और ये रिश्ता जो है ना रहती दुनिया तक कायम रहेगा। और हमारे मुल्क की जो ज़्यादातर आबादी है वो ज़राअत के पेशे से मुंसलिक है, यानी कि उसके साथ जुड़ी हुई है। और हमारे मुल्क में जो है ना ज़राअत के पेशे को, ज़राअत को रीढ़ की हड्डी की हैसियत हासिल है। ठीक है, और यहाँ पे अब हम शॉर्ट क्वेश्चन आंसर इसके डिस्कस करते हैं। ठीक है, आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, ज़राअत और इंसान का रिश्ता कब से है? ज़राअत और इंसान का रिश्ता बहुत पुराना है, यानी कि जब से इंसान की पैदाइश हुई ज़राअत का और इंसान का रिश्ता उसी वक्त से कायम है। बल्कि अगर ये कहा जाए तो कुछ गलत नहीं होगा कि जब से इंसान ने दुनिया में कदम रखा ज़राअत का काम उसी वक्त से शुरू हो चुका था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू इज, ज़राअत और इंसान का रिश्ता क्या किसी ज़माने में ज़राअत की अहमियत कम होगी? जी नहीं, जब तक दुनिया बाकी रहेगी ज़राअत की अहमियत बाकी रहेगी, क्योंकि हमारी जो लाइफ का इनसार है वो बच्चों ज़राअत के शुबे के ऊपर ही है। ठीक है, इस वजह से ज़राअत की अहमियत किसी भी ज़माने में कम नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज़राअत पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी है, इस जुमले की वजाहत करें। पाकिस्तान के लिए ज़राअत बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है, इससे मुल्क की मईशत मजबूत होती है। यही वजह है कि ज़राअत को रीढ़ की हड्डी तसव्वुर किया जाता है। ठीक है, और जैसे इंसानी जिस्म में रीढ़ की हड्डी की बहुत ज़्यादा अहमियत होती है, और आप इस चीज़ से बखूबी आगाह होंगे कि अगर खुदा न खासा रीढ़ की हड्डी में कमी वाकया हो जाए तो इंसानी जिस्म मफलूज होकर रह जाता है, इसलिए ज़राअत को रीढ़ की हड्डी तसव्वुर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी सनदें ज़रई पैदावार की मरहूने मिन्नत हैं? आटा और चावल की मिल, कुर्दनी तेल बनाने, धागा और कपड़ा बनाने के कारखाने, सब ज़रई पैदावार की मरहूने मिन्नत हैं। मरहूने मिन्नत यानी कि ज़रई पैदावार की बदौलत हैं, इसकी वजह से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कुदरती खाद से क्या मुराद है? इसके अलावा दूसरी किस्म की खाद कौन सी होती है? गाय और भैंस का गोबर कुदरती खाद का काम देता है, इसके अलावा यूरिया की मदद से मसनूई खाद भी तैयार की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेयरी फार्म से हमें क्या हासिल होता है? डेयरी फार्म से दूध, मक्खन, क्रीम, पनीर और घी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दरामदाद और बरामदाद से क्या मतलब है? अगर कोई चीज बाहर के मुल्क से अपने मुल्क में लाई जाए यानी कि मंगवाई जाए तो हम इसे दरामदाद कहेंगे। ठीक है, और जब कोई चीज मुल्क से बाहर भेजी जाए और जर मुबादला कमाया जाए यानी कि पैसा कमाया जाए तो इसे हम बरामदाद कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान के किन इलाकों में आम और किन्नू ज्यादा मकदार में पैदा होते हैं? पाकिस्तान में मुल्तान के करीब शुजाबाद और शुजाबाद में बेहतरीन आम पैदा होता है और किन्नू के लिए सरगोधा बहुत मशहूर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सनत का ज़राअत के साथ क्या ताल्लुक है? सनत और ज़राअत का चोली दामर का साथ है, यानी ये दोनों एक दूसरे के लिए लाजम मलजूम है, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, रोगनी अजनास से क्या मुराद है? ऐसी फसलें जिनसे तेल निकाला जाता है इसे रोगनी अजनास कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेमौसमी सब्जियों से क्या मुराद है? जो सब्जियां अपने असल मौसम के अलावा दूसरे मौसमों में उगाई जाएं इन्हें बेमौसमी सब्जियां कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फाइव, वाहिद जमा, वाहिद के हमने जमा और जमा के वाहिद लिखने हैं। ठीक है, ओपन योर रीडिंग बुक, पेज नंबर है 120। यहाँ पे कुछ अल्फाज जमा हैं, कुछ अल्फाज वाहिद हैं, हमने वाहिद के जमा और जमा के वाहिद बताने हैं। फर्स्ट वर्ड है वसाइल, वसाइल की वाहिद है वसीला। नेक्स्ट वर्ड है देहात, देहात की जमा है दहिया। नेक्स्ट वर्ड इजाद, इजाद की जमा है इजादात। नेक्स्ट वर्ड है सहूलत, सहूलत की जमा है सहूलियात। नेक्स्ट वर्ड अदविया, अदविया की वाहिद है दवा। नेक्स्ट लास्ट वर्ड मुश्किलात, इसकी वाहिद है मुश्किल। आज के लिए इतना ही काफी है। ओके, अल्लाह हाफिज। आज के लिए इतना ही काफी है। ओके, अल्लाह हाफिज।